السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام سبو ميدا حديث سيوني الله تعالى سبكو سيهي تريمان كي بيتين حالت ميرك بسم الله الرحمن الرحيم وبشرح لي صدري ويسل لي أمري وحلو الأقضة من لساني يفقه قولي وبيزدني المام نماذ محمد يكي عجي كلاس نمبر فايف جسمي هم پر رهي تير نماذ کو شروع کرنا ہے تو کسي کرنا ہے जिसमे हमने देखा था कि उखब भी होना है फिर भी होनी चाहिए। अब हमने नमाज बाकायदा स्टार्ट करनी है उसके लिए हम कहते हैं अल्लाह अकबर अब अल्लाह अकबर कैसे कहना है उसके कितने तरीके हैं इसका तकबीर कहते हैं ना अल्लाह अकबर तो हम क्या कहेंगे तकबीर कहना जैसे कि वो हर रजी उन्हान करते हैं रबी करीम सल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो पहले मुकम्मल वजू कर अल्लाह अकबर को हो यानी हमारा बिल्कुल नमाज पे हम सीधे खड़े हो जाएं उसके बाद हमें अल्लाह अकबर कहना है आयशा अल्लाह उन्होंने बयान करती हैं कि नबी के नीम सल वसल्लम नमाज को अल्लाह अकबर कहकर शुरू किया करते थे रफा करना अब जब हम कहते हैं तो हम अपने हाथ ऊपर करते हैं रफा कहते हैं ऊपर करना दोनों हाथ तो रफाई दैन का मतलब क्या होता है दोनों हाथ ऊपर करना अब ये कैसे करना है ये कैसे करना है ठीक है यानी इसके मुख्तलफ ये होता है कि हमने अपने जो हाथ है उनको कंधों तक उठाना है कानों तक उठाना है उससे ऊपर उठाना है या किस तरह आखिर अपने हाथों को कहाँ तक हमने लेके जाना है जैसा कि <स्थ> तो ये सारे तरीके में मिलते हैं ठीक है यानी हम उसको कंधों तक भी लेके जा सकते हैं कानों तक भी लेके जा सकते हैं दोनों से ही आदिश हैं अब कंधों तक जाने की हमें सही हदीस कौन सी मिलती है जैसे कि बिन उमर रजी की सैदा बयान करते हैं कि नबी करीम के रहीम वसल्लम अपने हाथ कंधों के बराबर उठाते थे जब रफाइया दान करते थे ठीक है यानी कंधे यहाँ तक करते हैं यहाँ तक अपने हाथ लेके जाने हैं नमाज शुरू करते वक्त रकू करते वक्त रकू से उठते वक्त और जब आप सहीदे से सर उठाते तो उस वक्त रफया दैन नहीं करते थे जबकि एक रवायत में है कि जब आप दो रकत के बाद तीसरी रकत के लिए उठते तो उस वक्त भी रफया दिन करते ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से टाइम है नमाज में जब हमने रफया दहन करना है अल्लाह अकबर कहना है और उस कहते हुए हमने हाथ भी ऊपर उठाने हैं पहला क्या है जब हम नमाज शुरू करेंगे फिर हम ये आम से रकू में जाते हैं यानी जब हम फातिहा पढ़ते हैं उसके बाद कोई सूरज पढ़ते हैं फिर अल्लाह अकबर कहे के हम नीचे जाते हैं ना सुबह खान रबीआज तो वो जो कहेंगे उस वक्त भी हमने अपने हाथ जो है, है फिर जब हम पांच दफ़ा तीन दफा सात दफ़ा फिर जब उठेंगे तो फौरन जब हम कहते हैं है, उस वक्त भी हमने रफया दैन करना है वो भी हो गया फिर वहां से वापस हम जब सजे में जाते हैं तो उस वक्त नहीं करना सजदे से सर उठाते हैं फिर भी नहीं करना यानी हमारे रफया दैन एक तक में कितने हैं अः अल्लाह पे पैरा है फिर रकू पे जाते हुए फिर रकू से उठते हुए तो दूसरी रकत पे भी हमने ऐसे ही करना है जब हम तीसरी रकत के लिए उठेंगे तो दोनों सजदों के बाद आ, उसके बाद तशद पढ़ते हैं हम तशद पढ़ के हम फिर दोबारा जब उठते हैं फिर है पढ़ने से पहले हमने रफया करना है ठीक है ये दूसरी भी नहीं करना ये पहली और तीसरी में करना है ये तो था कि हमने कंधों तक हाथ उठाना है अब कानों तक की हमें कहां से अजीज मिलती है सैयदा मालिक बिन बयान करते हैं कि नबी करीम जब नमाज शुरू करने के लिए तकबीर कहते तो है यानी दोनों हाथ उठाया करते यहां तक के कानों के बराबर या कानों की लू तक उठाते यानी ऊपर जो कान होते हैं वहां तक हाथ लेके जाना और जब रकू करते या रकू से उठते तब भी अपने कानों को हाथ लगाते अब तकबीर कहने और हाथ उठाने में तीन तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं एक क्या है कि एक ही वक्त में तकबीर भी कहना है और हाथ भी उठाना है यानी एट अ टाइम दोनों चीजें जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह उन्होंने बयान करते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु सल वसल्लम को देखा जब आप नमाज शुरू करने के लिए तकबीर कहते तो अपने हाथ अपने कन, उस वक्त अपने हाथ अपने कंधों तक उठाते ठीक है अब ये इसमें तो इख्त नहीं है हम कंधे तक उठाएं या कानों तक उठाएं दोनों में से कोई भी तरीका हम इख्तियार कर सकते हैं कभी कानों तक उठा लें कभी कंधों तक इसमें भी कोई मुजायका नहीं है अब ये भी सवाल आता है ना कि हमने पहले ही हाथ उठाना है या पहले लाभ पर कहना है तो इसमें भी कोई नहीं है जिस तरह आप कह दें एक पक में भी कह सकते हैं पहले हाथ भी उठा सकते हैं पहले तकबीर भी, भी कह सकते हैं तीनों की सही आरीज मौजूद है दूसरा फिर तरीका क्या है हाथ उठाना और उसके बाद तकबीर कहना जैसे कि अब्दुल्लाह बिन उमर अन्हु बयान करते हैं कि के रसूल जब दिमाग के लिए खड़े होते तो दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर बुलंद करते और फिर तकबीर कहते तीसरा तरीका क्या है कि तकबीर कहना फिर हाथ उठाना जैसे कि कुलाबा रजी गुलाबा अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने मालिक बिन हुईस को देखा जब वो नमाज पढ़ते तो तकबीर कहते फिर दोनों हाथों को बुलंद करते और उन्होंने क्या बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल इसी तरह किया करते जो भी मसला है इसमें दो से तीन चीजों के मेरी इजाजत होती है तो सारी चीजें नबी के वसल्लम सल अला में किया करते तो जब किसी ने देखा तो ने, आ, मतलब उसको ले लिया किए कि हुए तो कहना चाहिए कि ये दोनों इख्तलाफ क्यूं है दोनों का क्योंकि नबी के नीम सल अलाम ने मुख्तफ अवकात में मुख्तलिफ तरह किया करते इस तरह की इजाजत होती तमाम सूत्रों में दोनों हाथों को अच्छी तरह खोल कर लंबा करना यानी बुलंद करना है बिल्कुल हाथों को बंद करके नहीं रखना जैसे किसी नबोरा बयान करते हैं कि नबी की नीम सल अलाम जब नमाज में दाखिल होते तो अपने दोनों हाथों को खूब लंबा करके बुलंद करते हैं ठीक है अच्छा यह हाथ भी हो गया अल्लाह कह दिया अब हमने पढ़ना सुबह वहां पढ़ने के लिए हमने क्या करना है अपने हाथ बांधने हैं अब यहाँ पे खिलाफ आता है कि हमने हाथ अपने सीने पे बांधने हैं नाउ पे बांधने हैं या दोनों का को कोई डिफरेंस है औरत मद का इस तरह का तो पहली बात यह है कि मर्द औरत कोई फर्क नहीं है ठीक है सही हदीस में कोई ऐसी नहीं मिलती जिसमें लिखा हो कि औरत ऐसा सही करे मर्द ऐसा सही करे या औरत ऐसे रकू करे मर्द ऐसा रकू करे ऐसी हमें कोई हदीस नहीं मिलती तो मतलब जो तरीका हम पढ़ रहे हैं ये मेल्स के लिए भी यही है फीमेल्स के लिए भी यही है अब सीने पर हमने हाथ बांधना है नबी इसके भी मुख्तफ तरीके जो हमें मिलते हैं हदीस पे नबी के अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधते वक्त कभी अपना दाया हाथ बाएं हथेली पर कभी जोड़ पर वो कभी बाजू पर रखते है हथेली का मतलब क्या होता है हाथ जगह होती है ठीक है जोड़ का मतलब तो पीछे जो कलाई के साथ एक जोड़ होता है ना नबज यहां से चेक करते हैं ये वाला उसके बाद कभी बाजू पर यानी पूरे बाजू तक रखते है कोनी तक यहाँ तक तीनों तरीके साबित से यानी हम हाथ पे हाथ भी रख सकते हैं जोड़ पे जोड़ भी रख सकते हैं और बाजू पे बाजू भी रख सकते हैं जैसे कि सैदना हैं मैंने देखा कि नबी करीम सली खड़े हुए तकबीर कही और अपने हाथों को कानों के बराबर बुलंद किया फिर दाया हाथ बाएं हथेली और कलाई और बाजू पर रखा यानी बाजू पे बाजू पे बाजू रखना जैसे कहते हैं ना इस तरह उन्होंने किया तीनों सूतों में दोनों हाथों को मजबूती से बांधना है जैसे कि मतलब बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि नमाज भी अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखते और फिर दोनों को अपने सीने पर मजबूती से बांधते नमाज भी, ना, निमाज भी है ना नमाज में जमाओ लाजमी की है जमाओं का मतलब यह होता है कि जो भी कहने उसमें मजबूती हो ठीक है एक ग्रिप हो उस चीज में अच्छा जी अब हमने हाथ बांध लिए हाथ बांध के हमने पढ़ना क्या है इसकी भी मुख्तलिफ रवायात हमें मिलती हैं मुख्तलिफ मुकाम पर तो उनमें से हम कोई भी पढ़ सकते हैं इसको कहते हैं दुआई इस्तीफा ठीक है उसमें कोई भी हम पढ़ सकते हैं यानी हम चार पाँच तीन मेरे हमें याद करेंगे चार उनमें से कोई एक भी पढ़ सकते हैं वो चारों भी पढ़ सकते हैं इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है नबी करीम सलीलम से दुआ के अल्फाज या मंकूल हैं इनमें से चंद है अब पहली दुआ बे से, से रवायत है वो क्या बयान करते हैं अल्लाहबात बेनी जो आपने कल याद की है वही ये दुआ है कि नबी करीम सब अपने माज के लिए तकबीर कहते तो तकबीर के बाद किरा से पहले कुछ देर खामोश रहते ठीक है लेकिन तकबीर के बाद किरा से पहले मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से पहले या इमाम जब दिमाग पढ़ते तो उसमें खामोश रहते हैं ना आहिस्ता उसने पढ़नी होती है वो बात हो रही है मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप फिदा हों आप तकबीर और किरात के दरमियान खामोशी में क्या पढ़ते हैं आपने ये पढ़ता हूंबाद बेनी और बेना तो आ जा जा। इतनी जबरदस्त ये दुआ और इसका तज्बा उससे भी जबरदस्त है कि मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी डाल दे यानी इनके दरमियान डिफरेंस एंड डिस्टेंस आ जा जा जाए अलग हो जाए दोनों कितनी इस तरह तूने मशरक और मगरब के दरम्यान डाली है और मेरे गुनाहों से साफ कर कैसा साफ करना किस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ किया जाता है और अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी बर्फ और ओलों से धो डाल यानी खत्म कर देख तरह के बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन के हवाले से भी ये दुआ है दूसरी दुआ में मिलती है जो आ, स्टार्टिंग से हमें याद करवा दी जाती है सुबह सैयद नायशात है बयान करती है कि जनाब रसूल नमाज शुरू करते है तो ये दुआ पढ़ते अब ये भी ऐसे है कभी आपने वो दुआ पढ़ी कभी आपने ये पढ़ी तो अब दोनों के बारे में हमें हदीस जो है वो मिलती है तो ये कौन सी है सुबह का पता बसबू का पता यानी पाक है तो अल्लाह अपनी तारीफ के साथ तेरा नाम बाबर है तेरी बुजुर्गी बुलंद है और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं ये तो हो गई दो दुआएं एक और दुआत है रवायत करते हैं, बयान करते हैं कि नबी के नीम सल अच्छा वाक्य सैदना बयान करते हैं कि एक आदमी नमाज के लिए आया उसका सांस फूला हुआ था उसने आते ही अल्लाह पर कहा और बाद में ये क़लिमात पढ़े क़लिमात क्या थे अल्हम्दुलिल्लाह कलिदी बन फी ये हाँ इसमें रकू से जब उठते हैं तब भी हमें कुछ रवायात मिलती है कि तब भी पढ़ा जा सकता है और यहाँ पे सब खाना हम करते हैं इस जगह पर भी हमें इसकी रवायात मिलती है अब उसने अल्लाह कहा आते ही उसे कह दिया की जगह ये वाला अलहमदन कसीन तो ये बन फी अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ने माँ से फारिग हुए तो फरमाया किस आदमी ने ये अच्छे क़लिमात कहे हैं उस आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं आया था मेरा सांस भूला था तो मैंने ये कलिमात पढ़े हैं आपने फरमाया मैंने बारह फरिश्ते देखे हैं जो इन कलिमात को लेकर उठाने में एक दूसरे से जल्दी कर रहे है क्या? और हमें ये उन्होंने का किया कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए आए तो अपनी मामूल की चाल चल कर आए नमाज का जो हिस्सा उसे मुयसर हो उसे पढ़ ले और जो फोत हो जाए उसे पूरा कर ले यानी नमाज के लिए जल्दी आना इससे हमें हदीस सुन्नत मना करती है लेट हो स्पीड टेस्ट करके आना मतलब ये नहीं है कि नमाज के टाइम से पहले आ जाना अगर लेट हो जाए तो फिर भाग के आना कि जल्दी से मैं पहुंचू ऐसे सांस खुला हुआ था ना इस तरह तो इससे मना किया जाता है और क्यों किया जाता है क्योंकि एक एक कदम पर इंसान का अजर लिखा जाता है जब वो भाग के स्पीडली आएगा तो उसका अजर कम हो जाएगा इसलिए है कि बहुत आराम से सुकून से आए जितना हिस्सा नमाज का मयसर हो यहाँ पे जमात पहुंच चुकी हो वो पढ़ ले बाकी हिस्सा साथ ही पूरा कर ले भी है बिन उमर से बयान करते हैं कि हम एक रोज नबी करीम वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे एक आदमी ने ये कलिमात कहे व असीला नबी करीम वसल्लम ने पूछा ये कलिमात किसने हैं तो नमाजियों में से एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने कहे हैं तो नबी करीम सल्ला ने फरमाया मुझे ताजुब हुआ है कि इनका के लिए आसमान के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं सैदना बिन उमर फरमाते हैं जब से मैंने नबी करीम सल्लम से इन अलिमात की तारीफ सुनी उसके बाद मैंने इन्हें कभी नहीं छोड़ा ठीक है हर दुआई की अपनी फजीलत है चारों को एक ही टाइम पर बढ़ सकते हैं और चारों में से कोई एक हम पढ़ सकते हैं यहां तक तो हमारा हो गया कि हमने आ, सना जिसे हम कहते हैं अपने एक पाकिस्तानी जबान में की सना पढ़ना दुआई को तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है इसके बाद हमारा तो उस आ जाता है इसको इनशाला हम कल करेंगे आज तक इतना इतने करना है और आज के लेसन में क्या था कि हमने तकबीर पीर करनी है हमने रफय दैन करना है और तकबीर के कितने तरीके हैं रफिया दहम करने के कितने तरीके हैं उसके बाद हमने हाथ किस तरह बांधने हैं उसके कितने तरीके हमें हदीस में मिलते हैं उसके बाद हमने फिर ये देखना है कि हाथ बांध लिए हैं अब हमने कौन सी दुआ पढ़नी है यहाँ पे वो हमें चार दुआएं मिली हैं तो चार में से हम कोई भी पढ़ सकते हैं कोई एक दुआ भी किसी टाइम कोई एक किसी टाइम चेंज करके पढ़ते रहे और एट अ टाइम भी हम चार दुआएं पढ़ सकते हैं इसके अलावा भी हमें दुआएं हदीस में मिलती हैं लेकिन